वेलकम स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट में क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर सबसे पहली जो कैटेगरी है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में एनालाइज करेंगे जो कि हेनरी फ्यूल के द्वारा दी गई है। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट में प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग और उसका कंसेप्ट। इस वीडियो में हम कैटेगरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले जो कंसेप्ट जो लेकर आया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का, वो हेनरी फ्यूल के द्वारा लाया गया कंसेप्ट है। हेनरी फ्यूल एक माइनिंग इंजीनियर थे और इनका जो बॉर्न हुआ था वो 1841 में फ्रांस के अंदर हुआ था। इन्होंने अपना करियर इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के अकॉर्डिंग करा था और इन्होंने अपने करियर से बहुत सारे एक्सपीरियंस और इन्होंने कंसेप्ट जो है उनके पर्सपेक्टिव वो लेकर आए थे, अलग अलग कंसेप्ट को लेकर आए थे, अपने अलग अलग एक्सपीरियंस को लेकर आए थे। और एक कोल माइनिंग कंपनी में काम करा था इन्होंने फ्रांस के अंदर 1860 के अंदर, इनका करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इन्होंने अपने आइडिया जो है उस करियर के दौरान जो भी आइडियाज़ इन्होंने सीखे, जो आइडियाज़ इनके अकॉर्डिंग क्रिएट हुए, जो इनके थॉट्स है वो इन्होंने एक अपने जो थॉट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से इन्होंने बनाया है। फ्यूल को फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल वैलिड है और एक तरीके से हर तरीके के एरिया में, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो नॉन बिज़नेस हो, वहाँ पे इनके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एप्लीकेबल होता है। इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडर्न जो टाइम पीरियड है और मॉडर्न तरीके का जो मैनेजमेंट है उसमें भी इनके प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंट रोल है और क्लासिकल मैनेजमेंट में भी इनके प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इनको फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में? सबसे पहले इनके कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने 6 कैटेगरी में बिज़नेस एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन करा है। 6 एक्टिविटीज़ में इन्होंने बिज़नेस एंटरप्राइज को बताया कि बिज़नेस एंटरप्राइज हमेशा 6 एक्टिविटी में अगर डिवाइड होगी तो प्रॉपरली यहाँ पे वर्क एक एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिव वे में करेगी। फर्स्ट टेक्निकल एक्टिविटी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटी का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। सेकंड कॉमर्शियल एक्टिविटी और बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट। थर्ड फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंस यानी कि मनी रिलेटेड डिपार्टमेंट। मैनेजरियल एक्टिविटी, मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी एक्टिविटी और अकाउंटिंग एक्टिविटी। फ्यूल के अकॉर्डिंग जो बिज़नेस एक्टिविटी है उसका क्लासिफिकेशन, बिज़नेस एंटरप्राइज का क्लासिफिकेशन 6 तरीके की एक्टिविटी को बांट के करा जाता है। और ये 6 तरीके की एक्टिविटी जो 6 एक्टिविटीज़ है ये बिज़नेस एंटरप्राइज को डिवीज़न ऑफ वर्क में प्रॉपर हेल्प करती है। इसके बाद इन्होंने फंक्शंस बताए मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उसमें इन्होंने 5 तरीके के मेनली फंक्शन बताए हैं। जैसे सबसे पहले बताया इन्होंने प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब बिज़नेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है मैनेजमेंट में, किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन मेकिंग से पहले उसके बारे में एडवांस में डिसाइड करना कि क्या करना है, हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे अपने जो फ्यूचर कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन है उसको डन करना है। इसलिए इन्होंने बिज़नेस एक्टिविटी में प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल बताया है एंड प्लानिंग को प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट भी, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा है। इसलिए डिसाइडिंग इन एडवांस प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने बताया है। दूसरा इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग की बात करी है कि एक तरीके से बिजनेस एंटरप्राइज में मैन मटेरियल मशीन का प्रॉपर रूप से इनको रिसोर्स का यूज़ करना और इनको सफिशिएंट वे में रखना इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग वाले कंसेप्ट में बताया है। एक तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हर चीज़ अगर पानी है, हर चीज़ की ऐड करनी है,
तो मैन मटेरियल मशीन का प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए, इनको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली अचीव कर सके। तो इसके बारे में भी इन्होंने बताया है कि दैट इज़ अ सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में, जिसमें रिसोर्सेज का प्रॉपर कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ रिसोर्सेज की जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ अप्लाई करना है, और मटेरियल मैन और मशीन और मनी का प्रॉपर यूज़ करना है। इसके बाद इन्होंने कमांडिंग के ऊपर बताइए कि जितनी भी एक्टिविटी उनको मेंटेन करना, ये कमांडिंग वाले कंसेप्ट है कि जितनी भी एक्टिविटी है उनको मेंटेन करना बाय ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन बीइंग के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा, एम्प्लॉयज़ के द्वारा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। कोऑर्डिनेट करके चलना, जितने भी एफर्ट है उनको एक करके चलना, इंटीग्रेट करके चलना, कंपनी के ऑब्जेक्ट को लेकर चलना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट ना हो लोगों का, कोऑर्डिनेशन करके तालमेल बना के काम करना, कोऑर्डिनेशन इन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी वर्कर है, जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी लेवल है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर और सुपरवाइजरी लेवल, सब में कोऑर्डिनेशन और तालमेल होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन और तालमेल नहीं होता तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाएगी, और जो ग्रोथ चाहती है ऑर्गेनाइजेशन वो प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने कोऑर्डिनेशन पे भी ज़्यादा ध्यान देने की बात करी है। लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बिना जो बाकी फोर फंक्शन है वो सारे अधूरे रह जाते हैं, इसलिए कंट्रोलिंग सारी चीज़ों को चेक करता है। कंट्रोलिंग एवरीथिंग को लेकर चलता है, कंट्रोलिंग हर चीज़ को, प्लान को देखकर चलता है। इन्होंने क्या कहा है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जो जो आपने प्लान कर रहा है स्टैंडर्ड है, वैसे अगर एक्चुअल में हो रहा है, जितने भी ऑर्डर्स है वो आप अडॉप्ट करके चल रहे हो और जो प्रिंसिपल आप उनको फॉलो करके चल रहे हो, तो सारा जो वर्क होगा वो प्रॉपर मैनेजमेंट मैनेज करके होगा। इसलिए इन्होंने कंट्रोलिंग पे ज़्यादा ध्यान देने की बात करी है कि जो अगर एरर है, मिस्टेक है, उनको हटाने, तो स्टैंडर्ड जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल वर्क जो है वो करना ज़रूरी है। कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपनी को जो जो सोचा है, जो जो थिंकिंग है उनकी, उसके अकॉर्डिंग उनको अपने रियल वर्क को करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया है कि 14 प्रिंसिपल इनके हैं। हमने 5 फंक्शंस पढ़े, 6 एक्टिविटीज़ पढ़ी, 14 प्रिंसिपल इनके हैं जो फ्यूल के फेमस प्रिंसिपल है, और ये यूनिवर्सल अप्लाई होता है। जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करके करना और हर यूनिट में बांट कर करके स्मॉल यूनिट में बांट के करने से वर्क जल्दी एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में होगा। अथॉरिटी यानी कि डिसीजन मेकिंग की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन। फ्यूल कहते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर और ऑब्लिगेशन में बैलेंस होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के हिसाब से चलना चाहिए। अगर अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर डायरेक्शन ना मिलने से वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो फ्यूल क्या कहते हैं कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों एक तरीके से इफ़ेक्टिव वे में होनी चाहिए, अथॉरिटी भी सही तरीके से होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सही तरीके से होनी चाहिए। इससे क्या होगा, बेसिकली इससे ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क जो होगा वो सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे इनके बैलेंस होने की बात करी है, इनको बैलेंस करने की बात करी है। डिसिप्लिन के एक बारे में भी इन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया है, डिसिप्लिन कमिटमेंट को लेके चलना, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना, जैसे स्टैंडर्ड है वैसे चलना, और ऑर्गेनाइजेशन को एक कंप्लीट वे देना, ये डिसिप्लिन है। हर वर्कर को अपना काम वर्क पता होना चाहिए, हर मैनेजर को उसको एम्प्लॉय को डिसिप्लिन वे में सिस्टमेटिक वर्क करवाना आना चाहिए। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल सिस्टम से चलेगी तो प्रॉपरली अपने गोल को टाइमली अचीव करेगी। यूनिटी ऑफ कमांड में वन बॉस की बात करी है, एक बॉस एक डिपार्टमेंट में यहाँ पे होना चाहिए। एक से ज़्यादा अगर बॉस होंगे एक डिपार्टमेंट में तो एम्प्लॉय कन्फ्यूज हो जाएगा, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड में भी इन्होंने अपने आइडिया दिए कि वन बॉस इन वन डिपार्टमेंट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात की जाए तो इन्होंने वन प्लान इन वन यूनिट की बात करी है। वन प्लान यानी कि एक प्लान होना चाहिए एक यूनिट का, दो प्लान अगर एक साथ लेके चलेंगे
दो वर्क को एक साथ करेंगे, दो वर्क को एक टाइम पर पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वर्क पूरा नहीं हो पाएगा, और हो भी जाएगा तो क्वालिटी नहीं रहेगी। इसलिए इन्होंने यहाँ पे बताया कि एक प्लान होना, यहाँ पे वन प्लान होना चाहिए, और यहाँ पे वन बॉस की बात करी गई है या जो एक डिपार्टमेंट में होगा। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में दोनों में बताया कि एक प्लान और एक बॉस, एक डिपार्टमेंट में एक बॉस जो एम्प्लॉय को प्रॉपरली समझाए, वो यूनिटी ऑफ कमांड, और एक यूनिट का एक प्लान जो एम्प्लॉय जिससे उसको अचीव करके नेक्स्ट प्लान की तरफ मूव कर सके। इसके बाद इन्होंने सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट की बात करी। सिक्स प्रिंसिपल है इनका, इनके द्वारा बताया गया फ्यूल के द्वारा कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब खुद के इंटरेस्ट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को लेकर चलना चाहिए। जैसे कि हम नेशन फर्स्ट लेकर चलते हैं, इंडिविजुअल खुद को खुद से ज़्यादा हमारा नेशन है, ऐसे ही हमसे ज़्यादा हम जो जहाँ पे काम करते हैं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हमें काम ज़्यादा करना चाहिए। इन केस अगर हमें लॉस हो रहा हो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा हो तो वही काम करना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो। अगर हमें प्रॉफिट हो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये फ्यूल इस चीज़ के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र करना आना चाहिए जिससे कि ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होके हमारा खुद का भी डेवलपमेंट हो सके। तो एक तरीके से जो एम्प्लॉय का जो क्लैरिटी माइंड का है वो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर प्रेफरेबल होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट देने के लिए होना चाहिए। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में यहाँ पे फेयरनेस की बात करी है। एम्प्लॉयज़ जितना काम कर रहा है उसको अंडर पे ना करके फेयर पे होना चाहिए, सही पे होना चाहिए जिससे एम्प्लॉय प्रॉपरली मोटिवेट होकर वो अपने वर्क को आगे बढ़ा सके। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही इन्होंने कि सेंट्रलाइजेशन फ्यू हैंड्स में पावर और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को बांटना, दोनों एक तरीके से बैलेंस होने चाहिए। जैसे कि हमने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करी, ऐसी इन्होंने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस की बात करी है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली सेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए, कुछ ही लोगों के हाथ में पावर हो, और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पावर को बहुत ज़्यादा बांट दी गई हो। तो इन्होंने इसमें बैलेंस की बात करी है। स्केलर चेन का प्रिंसिपल बताया कि हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बटी होनी चाहिए, हाईएस्ट टू लोएस्ट, जिससे हर व्यक्ति को अपना रोल पता हो और हर व्यक्ति अपने मैनेजर से प्रॉपरली वर्क को पूछ सके। इन केस अगर इमरजेंसी होती है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकता है एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के साथ, दूसरे लेवल के एम्प्लॉय के साथ। इसको हम यहाँ पे गैंग प्लैंक कहते हैं। ऑर्डर में यहाँ पे फ्यूल ने कहा है मैन मटेरियल का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, हर मैन को पता होना चाहिए कि मटेरियल कहाँ पे है, और जिस मैन को मटेरियल के बारे में पता है उसी को वहाँ पे ऑर्डर देने की बात करी गई है। एक प्रॉपर अरेंजमेंट, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। इक्विटी वाले प्रिंसिपल में इन्होंने बता रखा है कि फेयरनेस, काइंडनेस, जस्टिस के साथ बिना डिस्क्रिमिनेशन करे एम्प्लॉय के साथ ट्रीट करना आना चाहिए। हर उस व्यक्ति का जो मैनेजर है उसको इक्वल वे में हर एम्प्लॉय को लेके चलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फेयरनेस के साथ यहाँ पे जस्टिस के साथ और काइंडनेस के साथ उसका बिहेवियर होना चाहिए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और वर्क करने को लेकर आगे बढ़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सन मतलब वर्कर की अगर टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहते हो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको एक जॉब सिक्योरिटी वाली फीलिंग देना, ये इस कंसेप्ट में आता है। फ्यूल के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी वाली फीलिंग देंगे, एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, एम्प्लॉय को अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे, उसका फीडबैक लेंगे, तो एम्प्लॉय आगे बढ़ के हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ प्रॉपरली वर्क करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाएगा। इनिशिएटिव में मोटिवेशन का पॉइंट है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहना बार बार, उसको एक प्रमोशन देना, एक तरीके से उसका एस्टीम बढ़ाना, उसके ईगो को सेटिस्फाई करना, ये बात आती है। बार बार टाइम टू टाइम ये करने पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय एब्सेंटीज को छोड़ता है, एम्प्लॉय का जो नेगेटिव बिहेवियर है वो पॉजिटिव बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है, एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है वो फेवरेबल हो जाता है। इसके बाद इन्होंने बात करी एस्पिरिटी कॉप्स की, यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ।
यूनियन इन इट्स स्ट्रेंथ। यूनियन अगर होगा, एक यूनिटी होगी, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसकी बात इन्होंने करी है। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल बताया कि अगर यूनियन होगा, यूनिटी होगी, तो वहाँ पे वर्क प्रॉपर होगा। इसमें कोऑर्डिनेशन की बात करी गई है, तालमेल बनाने की बात करी गई है एम्प्लॉयज़ के अंदर और मैनेजर्स के अंदर, वर्कर्स के अंदर। इससे टाइम पे वर्क होगा और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, जो थ्री मेन ऑब्जेक्टिव है, वो पूरे होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे बढ़ना है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स के साथ चलना पड़ेगा, जहाँ पे यूनियन, यूनिटी की बात करी गई है। और एक स्ट्रेंथ जो है वो यूनिटी से ही आती है, और सब लोगों का अगर एक प्लान, एक एफर्ट और कॉमन गोल होगा, तो प्रॉपरली वो अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में बात करी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो क्लासिकल है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी, जिसमें फ्योल ने फाइव फंक्शंस, सिक्स एक्टिविटीज़ और 14 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करा है। थैंक यू।